साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्रा टी चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में जो परीक्षा होनी है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो परीक्षा होनी है, परीक्षा होंगी कैसे, जब तक आपकी एजेंसी फाइनलाइज नहीं हो गई तब तक परीक्षा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब एजेंसी फाइनल होगी तब परीक्षा होंगी। आपको ये मालूम है कि बीपीओ की परीक्षा कब इसकी, मतलब फीस अभी नहीं कटी है इसकी, लेकिन कब की इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फीस आयोग ने अभी तक नहीं कटवा पाई है। तो बीपीओ 1468 की बात मान लो, इसकी तो फीस कट चुकी है तुम्हारी, तुम्हारा 5512 की। तो इनकी परीक्षाएं कब तक होंगी, और मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा तो नवंबर से पहले नहीं हो रही दोस्तों, और दिसंबर हो जाए तो बड़ी बात नहीं है इसमें कहने की कोई, क्योंकि जब तक एजेंसी फाइनलाइज नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। और बीपीओ की परीक्षा भी सितंबर लास्ट में हो सकती है अगर एजेंसी फाइनल हो गई तो। कोई एजेंसी है ही नहीं परीक्षा कराने के लिए कि इसमें परीक्षा कराए, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो आप ये समझ सकते हो, जब परीक्षा एजेंसी ही फाइनलाइज नहीं है तो परीक्षा कराएगा कौन? आयोग तो करा नहीं लेगा परीक्षा, भाई सीधी बात है। कोई एजेंसी कराएगी परीक्षा, कोई जिम्मेदारी लेगी एजेंसी इसमें? देखो अब आप कहोगे एजेंसी करा क्यों नहीं रही यूपी की परीक्षाएँ, यूपी की परीक्षा में होती है नकल, इसलिए एजेंसियाँ हाथ खड़े कर देती हैं। अब इसका पुलिस वाले का ही एग्जाम्पल ले लो, पुलिस वाले में जो एजेंसी थी वो गुजरात की थी और पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, और उसी एजेंसी को ठेका दे दिया इन लोगों ने, तो पेपर लीक हो गया। तो इसी के चक्कर में, पेपर लीक ना हो, सारी चीज़ हो जाए अच्छे से, इसी के चक्कर में थोड़ा सा देखभाल के करना पड़ता है। लेकिन जब तक ये एजेंसी फाइनल नहीं होंगी परीक्षाओं को भूल जाइए आप। और जो नए अध्यक्ष जी आए हैं वो ये कह रहे थे कि हम परीक्षाएँ शुरू करा देंगे जल्दी, और जनवरी और फरवरी तक ये परीक्षा हो जाएंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि फरवरी तक भी परीक्षा होंगी, क्योंकि परीक्षाओं में कम से कम 8-10 महीने का समय लगने वाला है। आप ये मत समझना कि नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है कि ये परीक्षा कराने की बिल्कुल भरपूर इच्छा है तुम्हारा आयोग की, लेकिन जब तक एजेंसी नहीं होगी आयोग के पास में तब तक कैसे। लेकिन ये सही बात तो ये है, ये तो आयोग की जिम्मेदारी बनती है ना, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की उम्र जा रही है, जब उम्र जाती है तो बहुत समस्या होती है, बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको भी एक बार आयोग से मिलना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी सर हमारे बीपीओ की, जूनियर असिस्टेंट की, ऑडिटर की, दंत चिकित्सक की, एक्सरे टेक्नीशियन की, ये दुनिया भर की भर्ती पेंडिंग है, इनकी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? और बहुत बहुत बड़ी भर्तियाँ और भी हैं, जेई की भर्ती है वो भी बड़ी भर्ती है। तो इन जो बड़ी भर्ती हैं इनकी परीक्षा होनी चाहिए, सीधी बात है। तो परीक्षा होंगी कब? तो एक मान के चलिए कि बीपीओ की परीक्षा के बारे में बता देता हूँ दोबारा से फिर। बीपीओ की परीक्षा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर के फर्स्ट वीक, लास्ट वीक में हो सकती है, सितंबर के लास्ट वीक में, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। और अगर नहीं रहा तो वही अक्टूबर नवंबर में जाएगी ये भी परीक्षा है। और ऐसे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की बात करूँ, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी दोस्तों आपकी नवंबर तक जाएगी, नवंबर या दिसंबर में जाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी एजेंसी जब तक फाइनल नहीं होगी, एजेंसी फाइनल होगी उसको एजेंसी को समझने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि एजेंसी आज फाइनल की, आज ही पेपर हो जाएगा, नहीं होगा, कम से कम एक महीने का तो वक्त लगेगा ही लगेगा। और जब एजेंसी फाइनल होगी, मैं बता दूंगा एजेंसी फाइनलाइज हो चुकी है और अब आपका पेपर होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बीपीओ की तैयारी करने वाले साथियों, थोड़ा सा समय आपके पास और है अभी, कम से कम मान लो 2 महीने तो हैं, और जूनियर असिस्टेंट वालों 3-4 महीने आपके पास हैं, तो आराम से बढ़िया से तैयारी करिए और पेपर जरूर निकालिए। जो कुछ हो रहा है वो आपके बस में, हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे बस में है तैयारी करके पेपर निकालना, ठीक है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।